सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम टू साई स्टडी क्लासेस। माय नेम इज भवानी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। समस्त आम चैनल को स्वागत। तो आम धुआधार भाव एवं पॉलिटी सेशन स्टार्ट कर सारी। पॉलिटी जो हिस्ट्री एंड पॉलिटी जो 20 मार्क्स बीएड रे पढ़ुची, तो तार हिस्ट्री किसी सेशन पर आम पॉलिटी सेशन को स्टार्ट कर कहीदे। पॉलिटी को आम एवं खत्म करवा, पॉलिटी को आम शेष करवा, देन जाए आम कौन ना क्या धरवा ना हिस्ट्री को पुणि थे फेर। तो पॉलिटी एवं अल्प अच्छी, पॉलिटी रो सिलेबस समस्त को मुझे देखे दे थी सिलेबस, से ही अनुसार आम पढ़ेबा। बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेबा एंड पॉलिटी को आम शेष करवा। ओके, तो आपण मानकर सिलेबस अनुजाई आउ जोटा भी इंपोर्टेंट टॉपिक पॉलिटी उपरे रही हो पॉलिटी एक्सपेक्ट रे सर एटा आम जानापी चाहूँ बा सर एटा कौन हम एंटायर जहाँ भी किसी रुमें मत बहुत भल से कह भी पार कमेंट रे। ओके, मुझे असुविधा नहीं, मुझे निहाती आम क्लास रे मुझे आनबी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट कथा है छुआ कौन ना आमर पॉलिटी रो फर्स्ट क्लास, पॉलिटी रो फर्स्ट क्लास रे आमे पढ़े थिलु कौन ना आमर जो आर्टिकल तैयारी हवा पूर्वर बा कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हवा पूर्वर बा कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग हवा पूर्वर कौन कौन सब आम फ्यूज पास्ट रे कौन कौन सब एक्ट कौन कौन सब माने रूल्स कौन कौन सब रेगुलेशंस जाइछि ता ऊपर आमे गोटे ब्रीफली डिस्कशन करथिलु। जमतिया मोरले मिंटो रिफॉर्म केबे आसीथिला के कोइ पारिबो, हु कैन से मोरले मिंटो रिफॉर्म, मोरले मिंटो रिफॉर्म केबे आसीथिला। सेमितिका मोंटेगु चैम्सफोर्ड योजना बा मोंटेगु चैम्सफोर्ड रिफॉर्म केबे आसीथिला, हु कैन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एक्ट को फॉलो थ्रो बा फॉलो कॉपी कहा जाय छि के कोइ पारिबो। नेक्स्ट हेतला आमर भारत रे क्यों एक्ट परे भाइसराय बा भाइसराय प्रथाटा लागू होइथिला, ए सब बहुत प्रकार क्वेश्चन अछि तो आमे डिस्कशन करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन ना मोरले मिंटो रिफॉर्म केबे आसीथिला, मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909। ओके, 1909 मसियारे आसीथिला मोरले मिंटो एवं मोंटेगु चैम्सफोर्ड छुआ केबे आसीथिला, मोंटेगु चैम्सफोर्ड, मोंटेगु चैम्सफोर्ड योजना एटा होची मोरले मिंटो। ओके, मोरले मिंटोटा देख छुआ मोरले मिंटो 1909। ओके, एंड मोंटेगु चैम्सफोर्ड 1919। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा, इंडियन पॉलिटी टा क्यों ब्रिटिशर्स एक्ट बा कौन एक्ट को फॉलो थ्रू हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फॉलो थ्रू हुई। नेक्स्ट है कौन छुआ आ गोटे क्वेश्चन कौन थिला ना कौ एक्ट्रे वाइसराय प्रथाटा स्टार्ट होता, कौ एक्ट्रे छुआ वाइसराय प्रथाटा स्टार्ट होता कौ एक्ट्रे। क्राउन को निर्देशनामा आसी 1857 रो रिवोल्ट पर 1858 रे एवं 1858 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठे कि वाइसराय प्रथाटा लागू होता मन पड़ानी से भाइसराय प्रथाटा छुआ लागू होता। ओके, नेक्स्ट है छुआ कौन ना पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम वित्तीय विभाग वितरण बा विभाग सब वितरण प्रथा क्यों एक्ट्रे स्टार्ट होता, कौन एक्ट्रे कहा जाता बा कौन एक्ट्रे लिखा जाए किए कहीपर एटा होता छुआ 1861 रो एक्ट्रे 1858 पर 1861 रो जो एक्ट आ से पोर्टफोलियो सिस्टम टाकु कहा जाए थिला। ओके, देन छुआ आमर चार्टर्ड एक्ट के चार्टर्ड एक्ट छुआ आमर चार्टा 1793 1813 1833 1853। तो इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोस्पेक्शन रे क्यों दुईटा एक्ट को फॉलो थ्रू नि कौन दुईटा एक्ट को आम फॉलो कर कौन दुईटा एक्ट को आम होची इंडियन आमर कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी बेले ताकु फॉलो करा जाय थिला। तो फर्स्ट हैला कौन ना 1833 रो चार्टर एक्ट,
एवं 1853 रो चार्टर एक्ट। ओके आउ कौन क्वेश्चन अच्छी, आउ बहुत प्रकार क्वेश्चन अच्छी। जब हमें क्वेश्चन आंसर रो सीरीज आनिबा तो बहुत प्रकार पॉलिटी रो क्वेश्चन स्टार्ट करिबा, क्वेश्चन आनिबा तो आपण मानको प्रैक्टिस करैबा। तो आज के पई एतिकी तो मोर मन पड़ुची, आपण माने एटा भी मन रखि दियंतु एवं प्रीवियस क्लास टा जो अच्छी नोट अच्छी ताको छुआ भलो से करो, काहे कि ना उटे पॉलिटी को पढिया पूर्वरु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानिया पूर्वरु ता प्रीवियसली केतरा एक्ट सब लागिची, केतरा सब नियम सासची, केतरा आर्टिकल सासची ताको ही पढिबा निहाति दरकार। ओके तो सेतिपई सी क्लास टा इंपोर्टेंट थिला, मु फर्स्ट टू करै दिथिली। आज के क्लास रे छुआ मो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जेतले खोलिबो फर्स्ट आसीबो प्रियम्बल बा उपरे लेखाई थियो प्रियम्बल, प्रियम्बल उपरे आज गुटे स्टार्ट करिबा प्रियम्बल। ओके देखो प्रियम्बल उपरे हमर जों क्लास टाकु आमे स्टार्ट करिबा। तो छुआ जदि क्लास को भलो लागुथाय एवं आपण पई इन्फॉर्मेटिव एंड इफेक्टिव लागुथाय तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे एंड शेयर करिवे। आपण को लाइक एंड शेयर आम मन को मोटिवेशन आनदब एवं अधिकर अधिक आम क्लास करूँ। तो नेक्स्ट है छुआ कौन ना होची, हाँ नेक्स्ट है कौन ना आमर जे पढ़ेबा प्रियम्बल, प्रियम्बल छुआ ओडिया कौन ना प्रस्तावना। ओके प्रस्तावना जो आसला प्रस्ताव जो आसला ओडिया सॉरी, जदि मु तुमको छुआ गोटे क्वेश्चन पचारे ये हु कैन से बे प्रियम्बल एज ए फर्स्टली इंट्रोड्यूस कौन होता, प्रियम्बल तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को आसी ना फर्स्टली गोटे जिनस आसला किए कहीपर हु कैन से क्या माइंड में आसे सर ना फर्स्ट या तापर जाए प्रियम्बल है किए कहीपर गोटे माइंड में जब कह थ तो ठीक अच्छे मुझे कही देख प्रियम्बल को कौन ना आम प्रस्तावना कहूँ प्रियम्बल प्रथम मानने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बा जो ओडिया रे ताको कहा जाए अनस्था कौन एमतीया ओडियाटा मोर मन पड़नी बा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फर्स्टली इंट्रोड्यूस होता केबे ना आमर 13 नवेम्बर 1946 रे इंट्रोड्यूस होता। ओके 46 ने 47 सॉरी 47 रे एक्जाक्टली मोर मन पड़ी 47 देन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता जवाहरलाल नेहरू आनी। ओके जवाहरलाल नेहरू आनी फर्स्टली इंट्रोड्यूस करते ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ताकू ग्रांटेड होता केबे ना ता पर मसीहा मीन्स 1948 जनवरी मसे आम पढ़ा आपठी जानने एक्जाक्ट इयरटा मोर मन पड़नी डेटटा बट सी। ओके देखो छुआ ये कौन अच्छी छुआ प्रियम्बल, प्रियम्बल मैंने प्रस्तावना कहीदी व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रियम्बल इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझ तुमको फर्स्ट रू कहीदी छुआ इट इज द इंट्रोडक्शन लेटर। ओके द प्रियम्बल वाज एमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 इन व्हिच थ्री न्यू वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, जो तीन टा वर्ड अच्छी समाजवाद इंटीग्रिटी मीन्स जो न्यायपरायण सेक्युलर मीन्स जो समस्त प्रति सम्मान ससम्मान जो जिनसटा सीटा इंट्रोड्यूस है। द प्रियम्बल सर्वस एज एज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ गोटे इंट्रोडक्शन बा इंट्रोडक्शन शो कर इट सिक्योर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्रमोट फर्टिनिटी। ओके प्रमोट फर्टिनिटी एमंग द पीपल। ओके तो छुआ कौन है ना आमर जो प्रस्तावनाटा इंट्रोड्यूस है कौन थे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे फर्स्टली इट इज इंट्रोडक्शनरी लेटर बा इंट्रोडक्शन लेटर जहाँ को आम प्रस्तावना कहूँ। प्रस्तावना आमर मूलधारा बा मूल चिंता बा मूल चिंतक जोटा आम मानक रेस्पेक्ट एवं आम मैंने भलसे मन रखा दरकार जोटा दि प्रियम्बल वाज एमेंडेड, एमेंडेड मीन्स जो जे चेंजेस होता बा जहाँ को कहा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन आईन, तो संविधान संशोधन आईन 42nd संविधान संशोधन आईन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 मसीह थ्री न्यू वर्ड सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मान छुआ कौन व्हाट इज द मीन ऑफ सोशलिस्ट समाजवाद सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वेयर एडेड। ओके
ओके देन देखो द प्रीएम्बल सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स सक्सेस जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी टू ऑल जस्टिस माने न्याय लिबर्टी माने कौन स्वतंत्रता इक्वालिटी माने समानता ओके जमी सोशलिस्ट माने समाजवाद सेकुलर माने धर्मनिरपेक्ष एवं इंटीग्रिटी माने न्यायपरायण बा न्याय जहाँ भी कही पार न्यायपरायण आसुची माइंड को तो सहीटा देन द प्रीएम्बल सर्व्स एज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट सिक्योर द जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी टू ऑल ओके जस्टिस करते लिबर्टी एंड इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्रमोट फर्टिनिटी अमंग द पीपल ओके द प्रीएम्बल स्टेट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया भल से छुआ मन रख इट इज द वेरी इंपोर्टेंट इट इज वेरी इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर ओके प्रीएम्बल को भल से मन रख कौन ना वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आमे भारतीय जे कि आमे फुल्ली डेवोटेड अच्छु काकू ना कॉन्स्टिट्यूशन सहित इंडिया इनटू द सोवरिजन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ओके सोवरिजन सार्वभौमत्व सोशलिस्ट समाजवाद सेकुलर धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक गणतंत्र एवं रिपब्लिक राजतंत्र तो यही आधार रे एंड टू द सिक्योर टू द ऑल सिटीजन मीन्स सिक्योर रहिबे ऑल सिटीजन बा यहाँ को समस्ते मानिबे बा सिक्योर करिबे बा आकु आमे फॉलो करिबा जस्टिस सोशल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वे जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमी पॉलिटिकल इकोनॉमी माने जानथिबो अर्थनीति लिबर्टी स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिया जिवो थ्रो आउट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ओके एक्सप्रेशन रे जे जहार चिंताधारा बिलीफ भरोसा फेथ विश्वास एंड वर्शिप जो पूजा करिवार जो रिलीजियस आधार रे ओके नेक्स्ट है कौन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इट इज फ्रॉम द फंडामेंटल राइट रू नि फंडामेंटल राइट रू एटा लिखा जाय छी जो इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी समस्त को दिया जीवो एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल ए सब को आमे समस्ते प्रमोट करिबा समस्त सहित सपोज तुम्हें गोटे चाकरी के जाऊ जो समस्ते इक्वल अपॉर्चुनिटी पा ना तेल तुम से प्रीएम्बल कि फंडामेंटल राइट्स क्षुण्ण होटा को माना जाऊनि तुम्हें सेठी कौन करजर केस उठे पार ना निजर हायर की तुम्हें रईज करपर कौन कर ना आमको इक्वल एंड अपॉर्चुनिटी स्टेटस इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी आमको मिलूना ओके एंड समस्ते छुआ ये जो प्रीवियस कथा कही लिबर्टीटा को मन रख जो स्वतंत्रता केतेक जब तुमको छुआ क्वेश्चन पचारे जे स्वतंत्रता प्रीएम्बल ले केतेक आधार लिखाई ताले तुम्हें डायरेक्टली तुम्हें यही सेंटेंसटा को मन पक लिबर्टी स्वतंत्रता ऑफ द थ्रो आउट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप एंड जस्टिस सोशल इकोनोमी एंड पॉलिटिकल रे आमे एटा को आधार रखा नेक्स्ट देख छुआ एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल एंड जो फर्टिनिटी भातृत्व भाव आम जो भातृत्व भाव आम भारतीय मान प्रति देखा समस्त प्रति देखा फर्टिनिटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ओके देन देखो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिफ्ट टू अवर सेल्फ आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो देखो आमे कौन करिबा ना इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँ अच्छी 26 डे नवंबर 1949 समस्त जानी थी वो नवंबर 26 को आमे कॉन्स्टिट्यूशन डे मानू कहीं की ना नवंबर 26 1949 रे किछि एक्ट सेतेबेले लागू ही दिला जेमितिया फंडामेंटल राइट्स एवं तुम्हें जमती डीपीएसपी ये केतेक एक्ट नवेम्बर 26 1949 एक्ट लागू होता डू हेयर बाय अडॉप्ट एंड इनएक्टेड टू गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओके द फोर कंपोनेंट ऑफ द प्रीएम्बल आर चार्टा जो कंपोनेंट अच्छे प्रीएम्बल भल से देख ओके समस्ते मन भी रख जहाँ जितकी मैं छुआ मुझे पढ़ेदेली आउ थे भी जब तुम मन डाउट अच्छी मुझे आउ थे भी कहीदे प्रीएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया आमे भारतीय हैव द सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरिजन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू श्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थ्रो आउट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप
इक्वलिटी ऑफ द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल फर्टिनिटी एश्योरिंग दैट डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ओके फर्टिनिटी मीन्स भ्रातृत्व भाव आम समस्त प्रति देखा डिग्निटी जहाँ आम कर्तव्य अच्छी ओके एंड ऑफ द इंडिविजुअल समस्त प्रत्येक नागरिक प्रत्येक कर्तव्य अच्छी समस्त को भ्रातृत्व भाव देख समस्त सह सम्मान देव समस्त प्रति सम्मानता देख जातीय पताका को रेस्पेक्ट देव भारतीय जो सॉन्ग नेशनल सॉन्ग रे नेशनल एंथम रे समस्त छिड़ा हे नेशनल हाँ नेशनल जो वंदे मातरम को समस्त रेस्पेक्ट देव एवं एवरी सिटीजन कैन रेस्पेक्ट द आवर एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर समस्त को ओके तो यही भाया केतक रूल्स रही समस्त मानवा दरकार ओके देन कही इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 डे ऑफ नवंबर 1949 एडॉप्टेड होता है किसी एक्ट लगी जमीती तुम्हें जब एग्जांपल मागो तो फंडामेंटल राइट्स हम डीपीएसपी हम यह भाया केतटा डीपीएसपी फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड स्टेट पॉलिसी ओके यहाँ है आर्टिकल 36-51 पर्यंत अच्छी एक्टा ओके जदि मुझ तुमको छुआ क्वेश्चन पचारे अबाउट ऑफ सिटीजनशिप केते रु केते तम आर्टिकल भितर अछि के कोई परियो हो केन से अबाउट ऑफ सिटीजनशिप सिटीजनशिप नागरिकता केते रु केते तम आर्टिकल भितर अछि पांच रु एगार सिटीजनशिप क्यों क्यों आर्टिकल भितर अछि पांच रु एगार ओके एटा समस्ते मने रखिबो देखो छुआ पढ़ेबा द फोर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल आर फर्स्ट द प्रीएम्बल इंडिकेट प्रीएम्बल देखौची प्रीएम्बल कहौची दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी मींस जोटू आमर अथॉरिटी स्टार्ट बा गोटे अथॉरिटिकल जस्ट माने लोक जो रहौच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ द पीपल ऑफ इंडिया मींस आमर जो अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बा प्रीएम्बल इंडिकेट करछी जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी अछि बा कॉन्स्टिट्यूशन अछि बा कॉन्स्टिट्यूशन को जेमके लेखा जाय छी सेटा हम लोक मानको हित रे जीव लोक मानको सहित रहइबो ओके इट डिक्लेयर्स सेकंड पॉइंट इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोशलिस्ट सेकुलर सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन ओके सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन ओके इटा रहिबो जो सोशलिस्ट समाजवाद जो पंथाटा बा समाजवाद जो नियमटा सेटा रहिबा दरकार सेकुलर जो स्टेट सेकुलर स्टेट सेटा रहिबा दरकार डेमोक्रेटिक ओके गणतंत्र जो ताको रेस्पेक्ट देबा दरकार एवं रिपब्लिक नेशन ताको मानिबा दरकार इट स्टेट्स इट ऑब्जेक्ट टू सिक्योर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन एंड प्रमोट फर्टिनिटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कौन कही ना इट स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव टू सिक्योर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन ओके मीन्स से कौन कह जे जस्टिस न्याय लिबर्टी स्वतंत्रता इक्वालिटी समानता समस्त प्रति रहा प्रमोट फर्टर्निटी आम भ्रातृत्व भाव को प्रमोट करवा दरकार हिंदू मुसलिम झगड़ा न लगे हिंदू मुसलिम भितर भ्रातृत्व भाव ख्रिश्चियनिटी को सम्मान जितकी रिलीजियंस को आम सम्मान देवा भ्रातृत्व भाव रखा समस्त को गोटे नजर देखा एवं लिबर्टी देवा समस्त को स्वतंत्रता देवा एवं मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ओके नेक्स्ट है देख इट मेंटेन द डेट नवंबर 26, 1949 ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्ट ओके द की वर्ड ऑफ द प्रीएम्बल आर एक्सप्लेन्ड बिलो एबे देखो जो की वर्ड आम सब पढ़ीचे ताको सब एक्सप्लेन्ड करा जाय छी छुआ याठु तुम्हें बेस्ट नोट कोठी भी पाइबनी प्रीएम्बल उपरे जदि तुमको एग्जाम प्रोस्पेक्शन रे बीएड प्रोस्पेक्शन रे जे कोनोसी भी एग्जाम रे तुम्हें बसिबो जदि एई नोट ताको तुम्हें भल से पढ़ी दियो आ कोनोसी एग्जाम रे तुमको पढ़िबा दरकारी नाही कहीं ना मुझे नोटा बन पूरा भलसे भी बुझा जा तो तुम्हें कौन कर नोट्रे पढ़ जो तीन जन भी देखु जो चारज भी देखु जो पांच जन भी देखु या तुम्हें प्रीएम्बल पढ़ जदि लाइफ प्रीएम्बल जो चैप्टर प्रीएम्बल जो भी जहाँ भी क्वेश्चन आसो तुम्हें इजिली कर बस भलसे बुझा दरकार ओके दि प्रीएम्बल प्रोक्लेम्स दैट इंडिया इज ए सोवरिजन स्टेट सोवरिजन मीन्स सर्वभौमत्व दैट इंडिया हैज ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी
ଏଇଟା ଠିକ କଥା। ଆମେ କୌଣସି କାହାରି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛୁ କି? ୟୁଏସ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛି କି? ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଇଣ୍ଡିଆନ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ରୁଲ୍ କରୁଛି ବା ଆମେ ତାହାରି ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡୋମିନିଅନ୍ ଅର୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଅଦର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପାୱାର। ଦି ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଦ ପାୱାର ଟୁ ଇନାକ୍ଟ ଲୋ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ସର୍ଟେନ୍ ଲିମିଟେସନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଓକେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡୋମିନେସନ୍ ଅର୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍ ଏନି ଅଦର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପାୱାର ଦି ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ବା ଭାରତର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ହାଜ୍ ଟୁ ପାୱାର ଟୁ ଇନାକ୍ଟ ଲୋ। ସେମାନେ ଯେବେ ବି ଚାହିଁବେ ଲୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଲୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ କହିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁ, ନା ହେଇପାରିବ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହିଁ ଲୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ସର୍ଟେନ୍ ଲିମିଟେସନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ସମାଜବାଦ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଜାଣିଛେ, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ଏଇଟା 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976ରେ ଅଛି। ଦେଖ, ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ମିନ୍ସ ଦି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ। ଓକେ, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜବାଦଟାକୁ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ବା ସମାଜବାଦ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଥ୍ରୋ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ମିନ୍ସ, ମିନ୍ସ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଆଡପ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ମାନେ ସୋସିଆଲିଜିମ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାଜବାଦ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରେ ଛୁଆ କ'ଣ, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭାଗ ଦେବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ମିଶିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଫର୍ଟିନିଟି ରଖିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛାଯାଉଛି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଧାର ରଖାଯାଉଛି, ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଆଧାର ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। ଓକେ, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ହୋଲ୍ଡସ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଦ ମିକ୍ସଡ୍ ଇକୋନୋମି ହୁଏ ଆର୍ ବୋଥ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର କୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍। ନିହାତି, ଇଟ୍ ଏମ୍ ମାନେ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି, ଆମେ ଯେଉଁ ବୋଥ୍ ଇକୋନୋମି ରହୁଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବି ରହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ବି ଉଭୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଇଟ୍ ଏମ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭର୍ଟି, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଡିଜିଜ୍। ଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଭର୍ଟି, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ ଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଓକେ, ପ୍ରୋଭର୍ଟି, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଡିଜିଜ୍, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ପିଛଡ଼ାପନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଛେ ବା କୌଣସି ଏରିଆଜକୁ ଆମେ ଦେଖୁନେ, ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଅସମାନତା ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କରୁଛେ, ଆକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଉଠାଇ ଦେବା। ପ୍ରୋଭର୍ଟି ଯେଉଁ ଅଛି, ଦାରିଦ୍ରତା ଯେଉଁ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଉଠାଇ ଦେବା। ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରିର ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ସେକୁଲର। ସେକୁଲର ମିନ୍ସ କ'ଣ ଛୁଆ, ନା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ। ଓକେ, ଦି ୱାର୍ଡ ସେକୁଲର ୱାଜ୍ ଇନକରପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ। ଓକେ, ଦି ୱାର୍ଡ ସେକୁଲର ୱାଜ୍ ଇନକରପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ବାଇ ଦ 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଇନ୍ 1976। ଦ ଟର୍ମ ସେକୁଲର ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ରିଲିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଓକେ, ମାନେ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ ପାଇବେ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହିବ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଆର୍ଟିକଲ 25-28 ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଥର୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫ୍ରିଡ଼ମ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ଆଜ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଏଇଟା ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସକୁ ପଢ଼ିବା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ତୁମର ଅଛି ସିଲାବସ୍ରେ, ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା, ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସରେ ତୁମେ ଆର୍ଟିକଲ 25-28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍, ତାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବ। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ରିଲିଜନ୍ସ ଉପରେ, ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲିଜନ୍ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲିଜନ୍ ଆଧାରରେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟତା କରିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ରିଲିଜନ୍ରେ ରହିପାରିବ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛି ସେ ଇସଲାମିକ ଧର୍ମ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବ, ବା ଯାହା ବି ଏନି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଛି ସବୁ ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଦି ଟର୍ମ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ଇଟ୍ସ ଅଥରିଟି ଫର୍ ଦ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଛି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ, ଆମ ଦେଶ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜର MLA, MP, ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ବାଛିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଏଇ ତ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ 2022। ଓକେ,
समस्त एरिया रे पंचायत निर्वाचन शेष पर्याय चल थी आ किसी दिन काली कि पर दिन भितर तुम्हारो रिजल्ट्स भी आसी ओके काली तो पंचायत निर्वाचन शेष पर्याय सरी होती बोधे देन पर दिन पाखु 26, 27, 28 रिजल्ट भी आसो तो जी जहाँ एरिया रे न्यू न्यू सरपंच जिला परिषद एवं वार्ड मेंबर भी पाइबे ओके तो यहाँ आम पंचायत निर्वाचन जो सेक्टर अच्छी ओके देन देखो द प्रीएम्बल रिजॉल्व इंडिया टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री दैट मीन्स द सुप्रीम पावर लाइ विद द पीपल इन द पीपल द टर्म डेमोक्रेसी इज यूज फॉर द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सोशल डेमोक्रेसी द रेस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइजी वन वोट ओके वन वोट वन वैल्यू ओके आमर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइजी मीन्स प्रत्येक नागरिक निज निजर भोट दे पारे निज निजर मतामत दे पारे वन वोट रो वन वैल्यू रहइबो ओके एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मीन्स समस्त जो न्यायपरायण सामान रहइबो समस्ते सामानता देखे पारे जुडिशियरी समस्त सामान रहइबो इटीसी एंड ओवर द फ्यूचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ओके देन देखो छुआ रिपब्लिक राजतंत्र ओके इन ए रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओके हेड ऑफ द स्टेट हो जो प्रेसिडेंट था जहाँ भी से हूँ डायरेक्टली पीपल मानक द्वारा बाछाई था इनडायरेक्टली बाछाई था जमीया यूएस रोक मैंने प्रेसिडेंट को डायरेक्टली बाछा आम इंडिया लोक मैंने प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली बाछा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल दैट मीन्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्ट ऑफ द स्टेट असेंबलीज ओके माने जो प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया इज डायरेक्टली बाय द पीपल एंड से माने कौन ना पार्लियामेंट बा स्टेट असेंबली रो द्वारा ही बाछा जाय थानी मींस एमएलए एमपी माने प्रेसिडेंट बाछिया पई वोट दियंती ओके जेमती हम प्रेसिडेंट एबे माने कौन ना प्रेसिडेंट एबे जो रामनाथ कोविंद अछंती ही इज ए कौन ना उपादलर अध्यक्ष उपा नुहे एनडीए एनडीए दलर अध्यक्ष अध्यक्ष माने एनडीए दलर से बाछा ही जाइछन्ती अध्यक्ष नुहे बाछा ही जाइछन्ती ओके मोर ओवर इन द रिपब्लिक पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल रादर देन ए मोनार्च ओके देन देखो द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल The term justice in the preamble embraces three distinct forms, social, economic, and political secured through the various provision in the fundamental and directive principle. So, ये जो term बा ये जो सब जिन्स हो ची fundamental rights and directive principle रो state policy रे बहुत भलो से कुहा जाई ची देखो देन देखो कौन हो ची ना समस्तोंगो interesting लागी ची जो दी छुआ like करो share करो subscribe करो प्रीएम्बल उपरे याठू बेस्ट नोट नाही एणु प्रीएम्बल उपरे याठू बेस्ट क्लास भी कोठी जदी पाइबनी ओके सोशल जस्टिस इन द प्रीएम्बल मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट ए मोर इक्विटेबल सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वल सोशल स्टेटस इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एमंग द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द सोसाइटी so that wealth is not concentrated in the few hands political justice means the all citizen have equal right political perception okay indian constitution provide universal adult suffrage equal value of each the vote means chha se kon kouchi ethire na individual member pratyek nagarik samastangar society ro kartavya ro je society ro kemti tar developments india ro development pai samastangar kichi matadan achi amar bi tum man kar bi chha kichi matadan achi niyati tumhe kichi tum dar jo je kon si chocolate bi khaujo tar tax doucho जेकोसी पेन किणुच तार टैक्स दूच जेकोसी बुक किणुच तार टैक्स दूस समस्त फ्री हैंड इक्वालिटी अच्छी इक्वल अपॉर्चुनिटीज अच्छी ओके एंड जस्टिस समस्त सामान मिलूँ एवं जो वोट बा डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छी से समस्ते कौन सफर करते वन वोट वन वोट वन वोट वन वैल्यू जो नारा अच्छी तार रूल्स भलसे चली ओके देन देख छुआ लिबर्टी लिबर्टी कौन लिबर्टी इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन लिबर्टी मीन स्वतंत्रता ओके स्वतंत्रता आम जो फ्रीडम फ्रॉम सेलिवरी जो जो आम लोक पाखे काम करूँ सेल्फडम इम्प्रोजमेंट डेपोटिज्म एंड प्रीएम्बल प्रोवाइड्स फॉर द लिबर्टी थ्रू आउट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ फेथ वर्शिप ओके समस्त को यही आधार में सब स्वतंत्रता दिजाव स्वतंत्र लिबर्टी मीन स्वतंत्रता जेकोसी जिन तापर स्वतंत्रता दिजाव ये जिनसटा को भलसे छुआ मन रख ओके नेक्स्ट देख
इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज और डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी मीन्स गोटे जो जो आगुरु छुआ अछुआ भेदभाव कराउथला जो तळ जातिर लोक मानकु असमानता कराउथला जो ससमान कहारी प्रति रो नथला तहारी उपर गोटे आम अपग्रेडेशन देवा तहारी उपर गोटे डेवलपमेंट्स आणिया तहारी उपर से जिनसटा को आम क्षुण्ण करिवो से जिनसटा को शेष करिवा एवं इक्वल डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशनटा को उठेगी इक्वालिटी समस्तन पई बा इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी समस्तन पई मेंटेन करिवा द प्रीएम्बल प्रोवाइड्स फॉर द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू पीपल of the country the constitution strive the provide of social economic and political equality in the country okay next la dekho fraternity chua fraternity means bhatrutva bhav okay bhatrutva bhav dekho fraternity means the feeling of brotherhood the preamble seek the promote fraternity among the people assuring the dignity of individual and the unity of integrity in the nation euta sam chua mu bhal se bujhei sarchi देन देखो अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल प्रीएम्बल जो अमेंडमेंट होता है तीन टा एक्ट आसला आम फर्स्ट लो आम आपको कही सारी ओके देन देखो इंस्टीट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ए जो एडा हो जी सुप्रीम कोर्ट रो जो केस थिला केशवानंद भारती केस देखो इन द केशवानंद भारती केस केस 1930 सुप्रीम कोर्ट ओवरटेक द इयरली डिसीजन एंड हेल्ड द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन द एलआईसी ऑफ द इंडियन केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके दस द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया रिमेन द ब्यूटिफुली वर्डेड प्रोलॉग प्रोलॉग the the continues the basic ideas objective and philosophy postulates the constitution of india stand for they provide justification for constitutional provision okay ehi thila amar preamble preamble upare chha eita ko keshavanand bharti kes jodi tumhe mone rakhilo thik achi nale audhiya kichhi mone rakhiya darkar nai बट जितकि मु ऊपर आडु तुमको जितकि फर्टिलिटी जाय पढ़ेली सेतकि जाय मने रखो बहुत ही इंपोर्टेंट बेस्ट नोट याठो अधिया किछ पढ़िबो नहीं कि याठो अधिया किछ प्रीएम्बल ऊपर तुमको पचारा जीवो नहीं ओके तो ठीक अछि आज का क्लास को हम एतकि रखिबा एतकि रे शेष करिबा जो माने भी छुआ देखुचो बहुत अल्प संख्यक छुआ एबे देखुचंती काहेकि ना शायद बते क्लास आपण मानको कोन लागुची मते भलो लागुनी जदि मते कमेंट रे कोहंतु कोनटा डाउट भी रही हैछि मते कमेंट रे जणातु मु श्योर ताको बुझैबी ओके कौन जदि बुझी पारना को आपन को एक्स्ट्रा आउ किसी दरकार सेटा भी कहले मुझे भी रखी ओके नेक्स्ट है कौन ना लाइक करी शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और मोटिवेशन मिलत जय जगन्नाथ जय हिंद एवं आमर जो पेड बैच अच्छी से आम बहुत धुआंधार क्लास चलती से आप चाहिए जॉइन करें तो लास्टली जय जगन्नाथ जय हिंद समस्ते भल पढ़ु था एग्जाम को क्राक कर ओके।